हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो ये आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 का 42वां मैच यूएसए वर्सेस नेपाल की टीम के बीच में खेला जाएगा, इस मैच के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना ताकि आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ जाए और आप लोग अपनी खुद से बेहतरीन टीम बना पाओ। तो सबसे पहले दोस्तों डिनर टाइम की बात करें तो ये मैच 2 नवंबर रात 9 बजे से ग्रैंड प्रेरी क्रिकेट स्टेडियम डलास में खेला जाएगा। मैच फॉर्मेट की बात करें, ओडीआई का ये फॉर्मेट रहने वाला है। अगर दोस्तों अभी तक आप लोग मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप लोगों का टेलीग्राम से जुड़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि टॉस के बाद की सारी अपडेट और टॉस के बाद जो भी मेरी फाइनल टीम रहेगी वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलने वाली है। तो आप लोग जुड़ जाना, लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट पॉइंट में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं पिच रिपोर्ट से। तो दोस्तों इस पिच की बात करें तो इस पिच पर ओडीआई इंटरनेशनल के टोटल अभी तक 4 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से एक बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, 3 बार यहाँ पे चेसिंग करने वाली टीम जीती है। यानी कि दोस्तों जो टीम यहाँ पे टॉस जीतेगी वो यहाँ पे पहले बॉलिंग करना चाहेगी, क्योंकि जो टीम यहाँ पे बाद में बैटिंग करती है उसके जीतने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर जो रहा है वो 225 का रहा है। अब आप लोग यहाँ पे स्कोरिंग पैटर्न भी देख सकते हो, तो जो यहाँ पे टोटल 4 मैचेस अभी तक खेले गए हैं उसमें से 2 बार 200 के बिलो स्कोर रहा है, 1 बार 250 से 299 के बीच में रहा है और 1 बार यहाँ पे 300 के ऊपर भी स्कोर जा चुका है। यानी कि दोस्तों अगर ओवरऑल इस पिच के बारे में हम लोग बात करें तो ये बैटिंग के लिए अच्छा खासा विकेट रहता है, कोई टीम यहाँ पे खुद खराब ना खेले तो काफ़ी अच्छा स्कोर यहाँ पे बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे वेदर रिपोर्ट की बात करें तो इस मैच में दोस्तों 40% बारिश के भी चांस रहने वाले हैं, तो बारिश के चांस तो यहाँ पे रहेंगे, तो आप लोग इन्वेस्टमेंट यहाँ पे पहले से करके मत चलना, टॉस हो जाए लाइनअप आ जाए उसके बाद ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना। अब यहाँ पर दोस्तों इसी टूर्नामेंट के जो लास्ट 4 मैचेस इसी वेन्यू पे खेले गए हैं उन 4 मैचेस का आप लोग यहाँ पे स्कोर कार्ड भी देख सकते हो ताकि आपको यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे समझ में आए। तो दोस्तों जो लास्ट 4 मैचेस इस वेन्यू पे खेले गए हैं, अगर आप लोग 4 में से 2 मैचेस देखोगे तो अच्छे खासे यहाँ पे स्कोरिंग रहे हैं और 2 मैच लो स्कोरिंग रहे हैं। तो लो स्कोरिंग मैच तभी यहाँ पे होते हैं जब कोई टीम यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड खेल जाए, खुद खराब खेल जाए, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छा खासा स्कोर यहाँ पे बनता है, जैसे कि लास्ट मैच में स्कॉटलैंड की टीम ने 317 बनाए और उससे पहले आप देखोगे तो नेपाल की टीम ने इसी वेन्यू पे 286 भी बनाए हैं। तो आप समझ सकते हो अच्छी विकेट है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो जो लास्ट 4 मैचेस इस वेन्यू पे खेले गए हैं उसमें 37 विकेट पेसर्स को मिले, वहीं 19 विकेट स्पिनर ने निकाले। तो यहां पे पेसर्स ज्यादा अच्छा करते हैं, उसी के हिसाब से आप लोग अपनी टीम क्रिएट करना। अब यहां पे दोस्तों हम लोग पहले यूएसए की टीम की प्लेइंग 11 प्लेयर स्टैट्स और रिसेंट फॉर्म के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करें सुशांत मोदानी की, आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे। ओडीआई इंटरनेशनल में अभी तक 33 मैचेस खेले हैं, 875 रन हैं, 27 का एवरेज है, प्लस 0 विकेट भी है। तो ये बॉलिंग भी दोस्तों पार्ट टाइम करा लेते हैं, पर बॉलिंग ज़्यादा नहीं कराई है इन्होंने, सिर्फ 2 ही मैचेस में कराई है। तो बॉलिंग नहीं कराने वाले, बॉलिंग से आप लोग उम्मीद मत करना, बैटिंग से कर सकते हो। बाकी रिसेंट देखोगे इस टूर्नामेंट में 3 मैचेस खेले हैं जिसमें 25, 8 और 36 इस तरह का इनका फॉर्म रहा है, तो तीनों मैचेस का आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। फिर यहाँ पे शियान जहांगीर है, 12 मैच में 478 रन है, 34 का एवरेज है, अच्छा रिकॉर्ड है। और दोस्तों इनका जो नेपाल के खिलाफ रिकॉर्ड रहा है वो काफ़ी अच्छा है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। फिर यहाँ पे मोनक पटेल है, 56 मैच में 1700 से ज़्यादा रन है, 35 का एवरेज है, अपने टीम के कैप्टन विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, फॉर्म देखोगे तो फॉर्म भी अच्छा है। फिर यहाँ पे सैतेजा मुकमल्ला है, 22 मैच में 626 रन है, 35 का एवरेज है, पर दोस्तों इनका जो नेपाल के खिलाफ रिकॉर्ड है वो उतना अच्छा नहीं है। बाकी आप रिसेंट यहाँ पे देख सकते हो, रिकॉर्ड भी देख सकते हो। फिर यहाँ पे संजय कृष्णमूर्ति है, इन्होंने 3 मैचेस खेले, 13 रन से 5 का एवरेज है, अब 3 नहीं दोस्तों 4 मैचेस हो गए हैं और 4 मैच में इनके 49, 52 और यहाँ पे 10, 62, तो 4 मैच में 62 रन इनके ओडीआई में है, तो आप ये चीज यहाँ पे देख सकते हो। उत्कर्ष श्रीवास्तव है, 1 मैच खेला है, 67 बनाए, जो कि लास्ट मैच में ही बनाए, उससे पहले का फॉर्म यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों आगे देखोगे तो हरमीत सिंह है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको 10 ओवर भी देते हैं, प्लस ये बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। हालांकि इस टूर्नामेंट में अगर आप देखोगे तो विकेट उतने ज़्यादा नहीं निकाल पा रहे हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं से पॉइंट दे के ये जाते हैं।
फिर यहाँ पे एस शालवेक हैं, इनका भी रिकॉर्ड अच्छा है, बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छी करते हैं, और अगर आप रिसेंट भी देखोगे तो लगभग अच्छा खासा रहा है। जसदीप सिंह हैं, ये भी दोस्तों 10 ओवर आपको देते हैं, थोड़ी बहुत बैटिंग भी करते हैं। जसदीप सिंह आपके फर्स्ट बॉलिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं जब यूएसए की टीम पहले बॉलिंग करे, क्योंकि अपनी टीम से डेथ में बॉलिंग कराते हैं। नॉर्थोस कैनजी के हैं, 49 मैच में 399 रन हैं, 20 का एवरेज है, 51 विकेट भी है, तो इनका भी अच्छा रिकॉर्ड है। ये भी दोस्तों 10 ओवर करा रहे हैं और रिसेंट जो इनका फॉर्म है वो काफ़ी अच्छा रहा है, तो इनको भी हम लोग लेके जा सकते हैं। सौरभ नेत्रवलकर हैं, 53 मैच में 80 विकेट है, फर्स्ट बॉलिंग में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बॉलिंग में इनको बिल्कुल ड्रॉप नहीं करना है क्योंकि अपने टीम से डेथ में बॉलिंग कराते और विकेट टेकर बॉलर है। अब यहाँ पे जो यूएसए की टीम के बेंच पर प्लेयर बैठे हुए हैं उन सब के स्टार्ट्स आप लोग यहाँ पे इसी तरह देख के चल सकते हो, ताकि इनमें से भी कोई भी खेल जाता है तो आपको पता रहेगा, तो आप लोग हर एक प्लेयर का यहाँ पे स्टैट्स देख सकते हो, आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके चल सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग यूएसए की टीम के स्टार्टिंग और डेथ ओवर्स के बॉलर्स के बारे में जानते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपको स्टार्टिंग में सौरभ नेत्रवलकर, एस शालवेक और जसदीप सिंह, ये आपको स्टार्टिंग में बॉलिंग करते हुए देखेंगे, डेथ ओवर्स में भी आपको यही तीनों दिखने वाले हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग नेपाल की टीम की प्लेइंग 11 प्लेयर स्टार्ट्स और रिसेंट फॉर्म के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करें अनिल कुमार शाह की, आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे, रिकॉर्ड देखोगे 12 मैच में 270 रन हैं, 27 का एवरेज है। ट्राई करना चाहो स्मॉल लीग में कर सकते हो, पर स्मॉल लीग में मेरे हिसाब से रिस्की रहने वाले हैं, आप लोग इनको जीएल में लेके जा सकते हो, क्योंकि अगर आप लास्ट 5 मैचेस इनके उठाओगे तो एक ही मैच में अच्छा स्कोर रहा है, बाकी के 4 मैचेस में फ्लॉप रहे। हालांकि जो 56 रन की पारी रही है वो इनकी यूएसए की टीम के खिलाफ ही रही है, तो आप लोग ट्राई करना चाहो कर सकते हो। आसिफ शेख है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि विकेट कीपिंग भी करते हैं, ओपनिंग बल्लेबाजी भी करते हैं, हालांकि इनका जो फॉर्म है इनका भी उतना अच्छा नहीं रहा है। इस टूर्नामेंट में देखोगे तो लास्ट जो 5 मैचेस रहे हैं उसमें से एक ही 50 आई है, पर ये अपने टीम से विकेट कीपिंग भी करेंगे, ओपनिंग भी करेंगे, तो एक सेफ ऑप्शन है, लेके चल सकते हो। कुशल मल्ला है, 37 मैच में 728 रन है, 24 का एवरेज है, 24 विकेट भी है, पार्ट टाइम बॉलिंग भी कराते हैं, बैटिंग भी करते हैं, हालांकि लास्ट 5 मैचेस देखोगे एक ही मैच में बॉलिंग कराई है, बॉलिंग नहीं करा रहे हैं। कुशल बुरतेल है, आपको 2 डाउन पर बैटिंग देते हैं, पार्ट टाइम बॉलिंग भी कराते हैं, हालांकि दोस्तों इनके बॉलिंग के चांसेस मुझे इस मैच में कम लग रहे हैं, पर लास्ट मैच में जो इनका यूएसए के खिलाफ लास्ट वाला मैच हुआ था उसमें इन्होंने 6 ओवर की बॉलिंग भी कराई थी जिसमें 4 विकेट भी लेके गए थे, तो ट्राई कर सकते हो सकता है फिर से करा जाए। रिकॉर्ड देखोगे 53 मैच में 1220 रन हैं, 23 का एवरेज है, 11 विकेट है, रिसेंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। रोहित पौधेल है, अपने टीम के कैप्टन है, आपको लगभग 2 से 3 राउंड पर बैटिंग करते हुए देखे जाएंगे, पार्ट टाइम बॉलिंग ये भी करा लेते हैं, रिकॉर्ड आप देखोगे काफ़ी अच्छा है, बाकी रिसेंट फॉर्म भी देखोगे तो फॉर्म भी अच्छा है। आरिफ शेख हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, आपको लगभग 2 से 3 ओवर की बॉलिंग भी दे सकते हैं, प्लस बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, तो अगर आप लोग इनको ट्राई करना चाहो तो फर्स्ट बैटिंग में कर सकते हो जब नेपाल की टीम पहले बैटिंग करे। आगे देखोगे दीपेंद्र सिंह एरी, प्लेयर इंपॉर्टेंट है पर ओडीआई में इनको उतना ज़्यादा मौका मिल नहीं पाता है, तो इस वजह से आप लोग एक जीएल में ही लेके जाना। गुलशन झा का दोस्तों फॉर्म अगर आप देखोगे अच्छा है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करा रहे हैं और इनको बैटिंग के लिए भी प्रमोट किया जाता है, तो इस वजह से ये आपके सेफ ऑप्शन है। सोमपल कमी है, फर्स्ट बॉलिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे जब नेपाल की टीम पहले बॉलिंग करे, रिकॉर्ड आप देखोगे काफ़ी अच्छा, और दोस्तों आपको जो ये टिक लगे दिख रहे हैं मैंने उन प्लेयर के आगे लगाए जो अच्छा स्टार्ट्स रखते, ताकि आपको समझने में थोड़ी सी और आसानी हो। केसी करण है, अपने टीम के इंपॉर्टेंट बॉलर हैं, फर्स्ट बॉलिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। संदीप लमेचने को दोनों इनिंग में लेके जाना है क्योंकि विकेट टेकर स्पिनर, और अगर आप रिकॉर्ड भी देखोगे काफ़ी अच्छा रखते हैं। अब यहाँ पर जो नेपाल की टीम के बेंच पर प्लेयर बैठे हुए हैं उन सब के भी आप लोग यहाँ पे स्टैट्स देख के चल सकते हो, ताकि इनमें से भी कोई भी खेलता है तो आपको पता रहेगा, तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग नेपाल की टीम के स्टार्टिंग और डेथ ओवर्स के बॉलर्स के बारे में जानते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपको स्टार्टिंग में केशी करण, सोमपाल कमी और अगर ललित राजवंशी खेल जाते हैं, जो कि लास्ट वाला मैच नहीं खेले थे, अगर खेलते तो ये भी स्टार्टिंग में बॉलिंग कराने आते हैं। डेथ ओवर्स में आपको यहाँ से केशी करण, सोमपाल कमी और संदीप लमीचने आपको डेथ में दिखने वाले हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग पॉइंट्स टेबल भी देख लेते हैं, यानी कि इस टूर्नामेंट में दोनों टीम्स की कैसी परफॉर्मेंस रही है, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो पहले हम लोग यहाँ पे यूएसए की टीम की बात करें, तो यूएसए की टीम ने इस टूर्नामेंट में टोटल अभी तक 11 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 7 जीते हैं, 4 आ रहे हैं। दूसरी तरफ नेपाल की टीम है, जिन्होंने 10 मैचेस इस टूर्नामेंट में खेले हैं, जिसमें से 2 जीते हैं, 7 आ रहे हैं और 1 मैच इनका नो रिजल्ट रहा है। तो अगर आप रिसेंट परफॉर्मेंस देखोगे यूएसए की टीम की काफ़ी अच्छी रही है।
अब यहाँ पर दोस्तों दोनों टीम्स के हेड टू हेड मैचेस के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोनों टीम्स ने हेड टू हेड में टोटल 7 ODI के मैचेस अभी तक खेले हैं, जिसमें से 3 USA ने जीते हैं, 4 नेपाल ने जीते हैं। तो हेड टू हेड में नेपाल की टीम थोड़ा सा यहाँ पे आगे रही है। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग टॉप पिक्स बाई हेड टू हेड देख लेते हैं, यानी कि कौन कौन से वो प्लेयर हैं जो हेड टू हेड में अच्छा खेलते हैं, जिन्होंने अच्छा किया हुआ है, उनके भी आप लोग यहाँ पे रिकॉर्ड देख के चल सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों आप सबसे पहले देखोगे मोनक पटेल, 7 मैच में 297 रन हैं, 49 का एवरेज है। फिर यहाँ पे आसिफ शेख है, 6 मैच में 169 रन हैं, 28 का एवरेज है। रोहित पौदेल का देखोगे 6 मैचेस खेले हैं, 254 रन हैं, 51 का एवरेज है। इसी तरह आप लोग यहाँ पे हर एक प्लेयर का देख सकते हो। कुशल बुरतेल के 6 मैचेस हेड टू हेड में 199 रन हैं, 33 का एवरेज है। एस जहांगीर का दोस्तों काफी गजब है, इन्होंने 2 मैचेस हेड टू हेड में यहाँ पे नेपाल के खिलाफ खेले हैं, जिसमें 204 रन की पारी, सॉरी 2 मैच में 204 रन हैं, 204 का एवरेज है। यानी कि 2 मैचेस जो उन्होंने हेड टू हेड में खेले हैं उसमें दोनों में सेंचुरी लगाई है, और 204 का एवरेज इनका इस वजह से क्योंकि एक मैच में ये नॉट आउट रहे हैं। तो इनका हेड टू हेड में काफी अच्छा रिकॉर्ड है। फिर यहाँ पे एच सिंह है, 1 मैच में 57 रन है, 57 का एवरेज है। अनिल शाह का 1 मैच में 77 रन है, 77 नॉट आउट की इनकी पारी है। फिर यहाँ पे एच साल्विक है, 1 ही मैच खेला है, 29 बनाए हैं, 29 का एवरेज है। तो यही प्लेयर हैं जिन्होंने यहाँ पे बल्ले से अच्छा किया हुआ है। अब यहाँ पे बॉलिंग से देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखोगे सौरभ नेत्रवलकर 8 मैच में 15 विकेट है, एस लमीचने 8 मैच में इनके भी 15 विकेट हैं, केसी करण के 8 मैच में 13 विकेट हेड टू हेड में, केंजिके के 6 मैच में 11 विकेट है, साल्विक का 1 मैच में 1 विकेट है। तो यही प्लेयर है दोस्तों जिन्होंने हेड टू हेड में अच्छा किया हुआ है, आप लोग यहाँ पे सबके रिकॉर्ड देख के चल सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने इस मैच के बारे में सब कुछ जान लिया, हर एक प्लेयर के बारे में जान लिया। अब हम लोग अपनी टीम देख लेते हैं जो फिलहाल मैंने इस मैच की आप लोगों के लिए बनाई हुई है, पर फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम से आपको जरूर जुड़ना है, क्योंकि टॉस के बाद की सारी अपडेट और टॉस के बाद जो भी मेरी फाइनल टीम रहेगी वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। तो जुड़ जाना, लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट पॉइंट में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए हम लोग अपनी टीम भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों विकेट कीपिंग में मैंने एम पटेल को लिया है, आसिफ शेख को लिया है। बैटिंग में देखोगे आर कुमार पौदेल है, एस जहांगीर को भी मैंने लिया, जिनका सेलेक्शन आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा, पर मैंने इन पर रिस्क लिया है। अब यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में देखोगे एशवेन शालवेक है, एच सिंह है, गुलशन झा है। बॉलिंग में एन केंजिगे है, लमीचने हैं, और यहाँ पे नेत्रवलकर और केसी करण, तो इनको मैंने यहाँ से पिक किया है। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने अपनी कप्तानी यहाँ पे एशवेन शालवेक को दिया है, वीसी मैंने गुलशन झा को किया। अब दोस्तों अगर आप इस टीम में देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ बड़े रिस्क भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुशल भुरतेल उनको मैंने पिक नहीं किया, सेलेक्शन उनका काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग चाहो तो एश जहांगीर की जगह कुशल भुरतेल को लेके सेफ भी जा सकते हो। मैंने रिस्क लिया, मैंने यहाँ पे फिलहाल जहांगीर को ही लिया। हो सकता है आफ्टर टॉस मैं भी जहांगीर की जगह कुशल भुरतेल को ले जाऊँ, तो जो भी होगा टॉस पर आपको पता लग जाएगा। तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कॉन्टर मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।